स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक में हम लोग ने क्या पढ़ा था? हम लोग ने विचेरिया वेनोक्रोप्टाई के माइक्रोफाइलेरिया लार्वा के बारे में स्टडी किया था और आज हम लोग क्या करेंगे उसके कंप्लीट लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये विचेरिया वेनोक्रोप्टाई। और क्या करता है ये? आपका एक डिजीज कॉज करता है जिसको हम क्या कहते हैं, फाइलेरियासिस, या क्या बोलेंगे, एल्फेंटियासिस, मतलब हाथी पाव। इसमें क्या होता है, पैर और हाथ में स्वेलिंग हो जाता है। तो इसकी लाइफ साइकिल आपने पहले भी जब उचेरिया के बारे में पढ़ा था तो आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है कि मेल और फीमेल कैसा है, हेयरी, मतलब हेयर लाइक है, पतला है, थिन है, और कहां पे ये ज्यादातर स्टे कर रहा है, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड्स, यहाँ ज्यादातर ये सब जगह पे हमारे बॉडी के अंदर पाया जा रहा। और अपने लाइफ साइकिल को कैसे कंप्लीट कर रहा है, टू होस्ट में, प्राइमरी होस्ट क्या है इसका, मैन, और सेकेंडरी होस्ट क्या है इसका, सेकेंडरी होस्ट है मॉस्क्यूटो, और मॉस्क्यूटो में भी जैसे आपका क्या है, कुलेक्स है, और कुलेक्स फैटिगन्स है, कुलेक्स पाइपेंस है, ये सब क्या है इसके सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट है। तो लाइफ साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट हमें जान गया कि ये टू अपने होस्ट में कंप्लीट करता है। तो फर्स्ट ये अपना क्या करेगा, फर्स्ट टाइम क्या करेगा, इन्फेक्टेड, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, उसके बाइट करने से क्या होता है, मॉस्क्यूटो के बाइट करेगा इन्फेक्टेड पर्सन को, तो वो क्या करता है, कैरी करता है लार्वा को। कौन से लार्वा को? माइक्रोफाइलेरिया लार्वा। और माइक्रोफाइलेरिया लार्वा के बारे में आप इससे पहले पढ़ ही चुके हैं कि माइक्रोफाइलेरिया लार्वा कैसा होता है। अब ये माइक्रोफाइलेरिया लार्वा को कैरी करने के बाद वो क्या करेगा, जो इन्फेक्टेड, मतलब वो मॉस्क्यूटो में जाएगा, मॉस्क्यूटो में क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होगा, मेटामॉर्फोसिस होगा, और वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड लार्वा में क्या होगा, मॉल्ट करेगा, और फाइनली थर्ड लार्वा जो है उसका, जुवेनाइल लार्वा, माइक्रोफाइलेरिया या जुवेनाइल लार्वा जो उसका थर्ड स्टेज है, जो डेवलपमेंट के बाद उसमें मेटामॉर्फोसिस के बाद जो चेंजेस आएगा, वो क्या करेगा, आपके मॉस्क्यूटो के स्टमक से होते हुए आपके उसके थोरेसिक में, थोरेक्स रीजन से उसके माउथ पार्ट प्रोबोसिस में चला जाएगा, और फिर जब वो न्यू पर्सन को, जो इन्फेक्शन जिसमें नहीं है, उसको बाइट करेगा, तो वो इन्फेक्शन वहां से वहां तक चला जाएगा। तो हम अगर इसके लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे तो लाइफ साइकिल में हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि इन्फेक्शन हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इनटू द मैन। उसके बाद ये अपना लाइफ साइकिल को कहाँ कंप्लीट कर रहा है, उसके बाद मैन के बाद आपका मॉस्क्यूटो में, और आफ्टर मॉस्क्यूटो फिर ये इन्फेक्ट कर रहा है न्यू पर्सन या न्यू मैन को। तो इस तरह हम इसका क्या कर सकते हैं, लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे तो आप पहले देख ही सकते हैं हमारा लाइफ साइकिल में सबसे पहले क्या है, एक पर्सन है, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन है। कौन सा पर्सन है? इन्फेक्टेड पर्सन है। अब लाइफ साइकिल हमारा स्टार्ट हो रहा है तो मॉस्क्यूटो क्या कर रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं मॉस्क्यूटो हमारा क्या कर रहा, बाइट कर रहा, और बाइट करने के बाद ये क्या कर रहा, ब्लडी मील, मतलब अपने अपने ब्लड, मतलब उसके ब्लड को सक कर रहा, और उस खाने के साथ, ब्लडी मील के साथ वो क्या कर रहा है, ये हमारा माइक्रोफाइलेरिया, इसका जो आपका इन्फेक्टेड स्टेज है, माइक्रोफाइलेरिया लार्वा को क्या कर रहा है, वो सक कर रहा है। अब ये माइक्रोफाइलेरिया लार्वा क्या है, मॉस्क्यूटो सकिंग माइक्रोफाइलेरिया फ्रॉम क्यूटेनियस, मतलब उसके क्यूटेन, क्योंकि माइक्रोफाइलेरिया क्या होता है, ये रात के समय, रात में क्या करेगा, ये पेरिफेरल ब्लड सिस्टम में हमारा आ जाता है, और दिन में क्या होता है, ये डीपर सिस्टम में, हमारे डीप ब्लड के डीप में चला जाता है। तो मॉस्क्यूटो क्या करता है, सक करता है माइक्रोफाइलेरिया फ्रॉम क्यूटेनियस कैपिलरी ऑफ मैन, यानी उसके पेरिफेरल ब्लड वास्कुलर आपका जो सिस्टम है उसमें। अब ये आफ्टर सकिंग ये क्या हो रहा है, ये मॉस्क्यूटो से हमारा मॉस्क्यूटो को सक करने के बाद किसमें चला गया, ये लाइफ साइकिल हमारा किसमें आप कंप्लीट करेगा, स्टेज इन डेवलपमेंट करेगा, किसमें, जुवेनाइल इन मॉस्क्यूटो, जुवेनाइल जो ये लार्वा है ये किसमें डेवलप करेगा, मॉस्क्यूटोज में। तो ये मॉस्क्यूटो में हमारा क्या होगा, अलग अलग स्टेज हमारा चेंजेस होगा, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज ऑफ लार्वा, और सबका मेजरमेंट क्या है, फर्स्ट स्टेज में लार्वा हमारा मेटामॉर्फोसिस होगा, जैसे हमारा मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, ये लार्वा का कहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लेस है, कहाँ पे, उसके विंग्स में या थोरेसिक, उसके विंग्स मसल्स में या थोरेसिक मस्कुलेचर और मॉस्क्यूटो में। तो फर्स्ट स्टेज हमारा क्या हो रहा है, आपका मॉल्ट होके, जिसमें फर्स्ट स्टेज में मॉल्टिंग के समय इसका क्या होता है, जो स्नैक लाइक स्ट्रक्चर है हमारा माइक्रोफाइलेरिया का, ये मॉल्ट होके क्या करा रहा है, 150 माइक्रोन तक हमारा क्या है, 121 से 150 माइक्रोन लेंथ में है, और 10 से 70 माइक्रोन तक क्या है ये विड्थ में या ब्रेथ में। अब ये सेकेंड
आपके स्टेज में मॉल्ट करेगा। सेकेंड स्टेज में मॉल्टिंग के समय इसका साइज क्या हो जाएगा, ये थोड़ा थिक हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, सॉसेज शेप हो जाएगा। और इसके साइज क्या हो जाएगी, 225 से 330 माइक्रोन तक हो जाएगा, ठीक है। ये चेंजेस जो होता है ये 2 से 4 घंटा और ये 2 से 3 दिन के बीच या 2 से 5 दिन के बीच ये आपकी चेंजेस होती है। आफ्टर डैट 10 से 11 दिन के बाद वो क्या होता है, थर्ड स्टेज लार्वा में चेंज हो जाता है। तब उसका क्या होता है, लाइफ साइकिल जो होती है उसकी थर्ड स्टेज में आ जाती है, मॉल्टिंग थर्ड स्टेज, जिसमें उसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो जाती है, 1500 से 2000 माइक्रोन, ठीक है, आपकी इसकी लंबाई होती है। और 18 से 23 माइक्रोन क्या हो जाती है, इसकी विड्थ हो जाती है या चौड़ाई हो जाती है। अब ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड मॉल्टिंग से ये क्या बना है, थर्ड स्टेज हमारा क्या हो गया, जुवेनाइल स्टेज हो गया, जो क्या है, इन्फेक्टेड स्टेज है। क्या है ये, हमारा इन्फेक्टेड जुवेनाइल स्टेज में चेंज होगा। लेकिन उससे पहले क्या करेगा, ये आपका कहाँ है, मॉस्क्यूटो में है। मॉस्क्यूटो में ये आपका स्टमक, मॉस्क्यूटो जैसे ही ब्लडी मिल से अपना वो ली उसको सक की, तो वो क्या किया, वो उसके डाइजेस्टिव चीजें स्टमक में जाके सबसे पहले क्या होता है, आपका जो उसका हाइलाइन सीथ है माइक्रोफाइलेरिया लार्वा का, वो क्या होता है, कास्ट ऑफ, मीन्स वो हट जाता है, जिसकी वजह से वो लार्वा फ्री हो जाता है। और फिर उसका क्या करता है, वो वहां से उसके पेनिट्रेट करके, गट वॉल को पेनिट्रेट करके वहां कहाँ पहुंच जाएगा, उसके थॉरेक्स में, और थॉरेक्स में जाने के बाद फिर वो कहाँ पहुंच जाएगा, उसके माउथ पार्ट में जहां पे प्रोबोसिस है। और ये जब फिर दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा तो ये क्या होगा, एक जगह से क्या हुआ, दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो गया। तो अब हम क्या देखेंगे कि अब इनफैक्ट ये लाइफ साइकिल कंप्लीट किया, अब मॉस्क्यूटो के प्रोबोसिस में कहाँ पे है, उसके प्रोबोसिस में आपका ये क्या है, लार्वा है। अब ये लार्वा को ये क्या किया, जब सब किया तो क्या किया, ये इसके द्वारा क्या हुआ, इसमें इंट्रोड्यूस किया गया, इसके ब्लडी मिल के साथ ये आया और ट्रांसफर होके कहाँ चला आया, ये उसके स्क्रॉटल मतलब लिम्फेटिक सिस्टम से होते हैं, लिम्फ नोड से होते हुए स्क्रॉटल सैक तक आ गया। इस स्क्रॉटल सैक में जो हमारा जो स्ट्रक्चर जुवेनाइल स्ट्रक्चर का पाया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, इनगुइनल लिम्फ ग्लैंड बोलेंगे, ठीक है, जहां पे ये क्या करता है, रेसिस्ट करेगा। तो हमारा क्या है, इन्फेक्टेड जो जुवेनाइल ट्रांसफर हो रहा है प्रोबोसिस ऑफ मॉस्किटो टू स्किन ऑफ मैन, यहाँ देख रहे हैं कि मैन की स्किन में ये क्या किया, इन्फेक्टेड जुवेनाइल लार्वा को, जो ये इन्फेक्टेड जुवेनाइल लार्वा है उसको ये क्या किया, आपका ट्रांसफर किया। कैसे ट्रांसफर किया, मॉस्किटो के प्रोबोसिस से, और कहाँ पे, इनटू द स्किन ऑफ मैन में। आफ्टर ट्रांसफर ये क्या किया, ये जो आपका जुवेनाइल स्टेज है ये क्या कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है ब्लड स्ट्रीम से कहाँ, उसके लिम्फेटिक सिस्टम तक, लिम्फ नोड तक, और माइग्रेशन से ये इन्फेक्टेड हमारा जो जुवेनाइल लार्वा है, थर्ड स्टेज लार्वा है, वो कहाँ से पहुंच जा रहा, हमारा इनगुइनल लिम्फ ग्लैंड। इनगुइनल लिम्फ ग्लैंड हमारा कहाँ होता है, स्क्रॉटल सैक में। आफ्टर दैट वहां पे ये डेवलपमेंट करने के बाद फाइनली क्या होगा, ये देखिए, ये हमारा क्या है, ब्लड आपका लिम्फेटिक सिस्टम में, हमारा ये कहाँ पे है, लिम्फेटिक सिस्टम में जुवेनाइल कहाँ प्रेजेंट है, इनगुइनल लिम्फ ग्लैंड में या नोड में। आफ्टर डैट ये यहाँ पे क्या करेगा, बहुत सारे ये जब भी इसको इंट्रोड्यूस करेगा, ये मॉस्क्यूटो जब भी इन्फेक्टेड पर्सन को में अपने लार्वा को, मतलब अपने लार्वा नहीं, माइक्रोफाइलेरिया के लार्वा को ट्रांसफर करेगा, तो हमेशा ये पेयर में करता है, मींस कभी भी अकेले नहीं रहेगा, मतलब मेल और फीमेल दोनों को क्या करेगा, ये ट्रांसफर करेगा। और इस तरह मेल और फीमेल आपका क्या होगा, मैच्योर होके एनिमल सिस्टम में जाके, उसके बाद मैच्योर होके वो किसमें, एडल्ट वॉर्म में क्या करेगा, चेंज हो जाएगा, कहाँ पे, लिम्फेटिक टिश्यूज में। लिम्फेटिक टिश्यूज में जाके, लिम्फेटिक सिस्टम में जाके ये क्या करेगा, एडल्ट स्टेज में होके ये मेल और फीमेल, फीमेल और मेल में आपका माइक्रोफाइलेरिया लार्वा मॉल्टिंग करके किसमें चेंज हो गया, एडल्ट उचेरिया बेनकॉप्टी में, ठीक है, एडल्ट में चेंज हो गया। अब आफ्टर एडल्ट में चेंज होने के बाद क्या हो गया, ये पर्सन का देखिए क्या हो गया, वो वहां पे हमारा एडल्ट फिर मैच्योर हो गया। और इस तरह क्या करेगा, जब आप मैच्योर होगा तो मेल फीमेल के बीच में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, कॉपुलेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, वो फिर डिलीवर करेगा क्या, बहुत सारा माइक्रोफाइलेरिया। और माइक्रो फीमेल के बारे में आप जानते ही हैं कि क्या होती है, ओवो विविपेरस होती है, वो क्या करती है, एक को ले करती है लेकिन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट अपने साथ ही रखती है, इसलिए इसमें क्या बोलते हैं, ओवो विविपेरस। तो ये क्या करेगा, अपना
ये मेल और फीमेल हमारा रेसिस्ट करेगा और ब्लड में हमारा मैन जो है या जो भी हमारा होस्ट है उस मैन में जाके ये क्या करेगा, उसके लिम्फेटिक सिस्टम में आपका वो क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा, बहुत दिन तक रहेगा और फाइनली क्या करेगा, माइक्रोफाइलेरिया लार्वा को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं माइक्रोफाइलेरिया कहाँ है, इन ब्लड आरबीसी में ये माइक्रोफाइलेरिया लार्वा है। और इस तरह ये इसके जहां जहां पैसेज में लिम्फेटिक वेसल्स में जहां जहां ये आपका बहुत सारा माइक्रोफाइलेरिया लार्वा है वो रह नहीं पाया तो क्या होगा, उससे उस क्या होगा, वो ब्लॉक कर देगा, नोड बना देगा, जिसके वजह से स्वेलिंग हो जाएगी और हमारा कंडीशन कैसा हो जाएगा, फाइलेरियासिस का, मतलब फाइलेरिया जिसको हाथी पाव कहते हैं। अब ये इस इन्फेक्टेड पर्सन को अगर फिर से आपका कोई मॉस्क्यूटो, जो मॉस्क्यूटो कौन सा मॉस्क्यूटो जो इन्फेक्टेड नहीं है, अब इस इन्फेक्टेड पर्सन को कोई भी अनइन्फेक्टेड आपका जो मॉस्क्यूटो बाइट करेगा तो फिर इसके ब्लडी मेल से वो क्या करेगा, वो माइक्रोफाइलेरिया लार्वा को सक करेगा। तो इस तरह इसका लार्वा क्या होता है, लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है फाइलेरिया वॉर्म का। ठीक है, फाइलेरिया वॉर्म क्योंकि फाइलेरिया कॉज करता है। ठीक है, नॉर्मल भाषा में एल और हाथी पाव इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए आप पैर देखिए कितना हाथी की पैर की तरह क्या होता है ये बॉडी की। आप लोग फर्स्ट वीडियो में इसके हमने बताया था कि क्या होता है ये हमारे नीचे की बॉडी पार्ट में। ठीक है, स्कॉटल सैक है, लेग है, फिट है, ये सब में क्या करता है, ये आपका स्वेलिंग करता है, उसके टिश्यूज में स्वेलिंग करता है। तो इस तरह हमारा लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि लाइफ साइकिल हमारा कंप्लीट कैसे हो रहा है। पहले दो डाइजेनेटिक है, यानी पहला होस्ट हमारा क्या है, मैन, और दूसरा क्या है हमारा मॉस्क्यूटो, और आफ्टर दैट इन्फेक्शन इन मैन। तो लाइफ साइकिल जब मैन में कर रहा है तो सबसे पहले वही चीज जो आपको मैंने अभी फिगर से बताया, एडल्ट वर्म क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा माइक्रोफाइलेरिया लार्वा। और आप पहले भी जान चुके हैं कि माइक्रोफाइलेरिया लार्वा जो होता वो बहुत ही एक्टिव लार्वल फॉर्म है और वो क्या कर सकता है, विथ और विदाउट ब्लड स्ट्रीम के अगेंस्ट वो क्या कर सकता है, अपना रास्ता जा सकता है, मतलब ब्लड स्ट्रीम के तरफ भी और उसके अपोजिट भी। और उस समय उसका मेजरमेंट कितना रहता है, 290 माइक्रोन से लंबाई रहेगा और 6 to 7 माइक्रोन इन ब्रेथ रहेगा या आपकी चौड़ाई या मोटाई। और अगर इस माइक्रोफाइलेरिया लार्वा को सक नहीं करेगा मॉस्क्यूटो तो फर्दर 70 डेज में ये क्या होता है, डाई कर लेता, मर जाएगा, या पहले भी जान चुके पहले के वीडियोस में। तो ये हमारा क्या हो गया, लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, यानी एडल्ट जो एडल्ट हमारा है लार्वा, एडल्ट जो हमारा ओचेरिया है वो फर्टिलाइजेशन और कॉपुलेशन करके क्या करता है, माइक्रोफाइलेरिया लार्वा को प्रोड्यूस करता है। आफ्टर दैट लाइफ साइकिल हमारा किसमें होता है, हमारा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है उसके बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा फर्स्ट क्या है, आपका लाइफ साइकिल कंप्लीट होने का फर्स्ट है मैन में, दूसरा मॉस्क्यूटो में। तो मॉस्क्यूटो में ये कैसे जा रहा है, सक कर रहा है ब्लडी मिल, मतलब अपने खाने के लिए वो क्या कर रहा है, खून को सक कर रहा है। तो क्या कर रहा है, सक कर रहा है कुलेक्स फैटिगन्स या पैपिल्स जो है जो भी है अलॉन्ग विथ ब्लडी मिल, अपने खाने के जैसा वो ब्लड को सक कर रहा। अब वहां से क्या होगा, जितने भी इन्फेक्टेड जो माइक्रोफाइलेरिया लार्वा है वो क्या होगा, कलेक्ट होगा उसके एंटीरियर पार्ट ऑफ स्टमक में। एंटीरियर पार्ट ऑफ स्टमक में आपका कलेक्ट होने के बाद जैसे ही वहां जाएगा, उसका जो हाइलाइन सीथ था, मैंने पहले भी बताया था कि माइक्रोफाइलेरिया लार्वा का क्या है, एक माइक्रोफाइलेरिया लार्वा हमारा मान लीजिए माइक्रोफाइलेरिया लार्वा है तो ये किसमें था, एक कवर में था, और ये कवर में हमारा क्या था, हाइलाइन सीथ। तो ये कवर हमारा क्या होता है, ब्रेकअप हो जाता है या कास्ट ऑफ हो जाता है क्योंकि उसके डाइजेस्टिव जूस से। तो ये हमारा क्या हो गया, आपका कास्ट ऑफ हो गया और फाइनली हाइलाइन सीथ उसकी खत्म हो गई। अब उसके बाद ये लार्वा फ्री हो गया, अब वो पेनिट्रेट करेगा गट के वॉल को, और टू से क्या करेगा, गट के वॉल को पेनिट्रेट करने के बाद ये क्या करेगा, 2 to 4 hours में क्या करेगा, माइग्रेट करेगा कहाँ पे, थोरेसिक मसल्स के तरफ, और थोरेसिक मसल्स में जाके वो अपने साइज में इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने के बाद 2 to 3 days में वो क्या करेगा, पहले जो स्नैक लाइक स्ट्रक्चर था ये देखिए क्या हो गया, ये शॉर्ट और उससे भी ज्यादा शॉर्ट हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, 2 to 7 days के बाद ये सिलेंडर हो जाएगा, शॉर्ट सॉसेज शेप में हो जाएगा और फाइनली चेंज हो जाएगा आपका, और इस समय इसकी लंबाई क्या होगी, 121 to 150 microns तक इसकी लंबाई हो जाएगी। और ये रिप्रेजेंट करता है आपका, ये देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज जो है आपका किसका, जुवेनाइल लार्वा फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट मॉल्टिंग हुआ माइक्रोफाइलेरिया लार्वा का।
आफ्टर डेट इसके पास इस कंडीशन में, फर्स्ट स्टेज के कंडीशन में इसके पास क्या रहता है, इसके पास स्पाइनी टेल होता है और रूटिमेंट्री एनमेंट्री कनाल का पार्ट इसके पास होता है। आफ्टर 3 to 7 days, 3 to 7 दिन के बाद क्या होगा, ये क्या करेगा, रैपिडली ग्रोथ, बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा और मॉल्टिंग करेगा 1 या 2 बार, और इस तरह मॉल्टिंग के बाद ये अटेंड करेगा, कितनी लंबाई इसकी हो जाएगी, यहाँ देख सकते हैं 225 से 330 माइक्रोन तक, और इस कंडीशन में इसके पास क्या हो जाएगा, आपका ये सेकेंड स्टेज लार्वा होगा, और 10 से 11 दिन में ये थर्ड स्टेज में मॉल्टिंग करेगा, कंप्लीट इसका मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट होगा, डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइज में, और इसके पास मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट होने के बाद क्या हो जाएगा, इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट, जेनाइटल पार्ट और आपके जितने भी बॉडी कैविटी है ये सारे इसके कंप्लीट हो जाएंगे, और इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है क्या हो जाएगी, 1500 से 2000 माइक्रोन आपकी लेंथ, और 18 से 23 माइक्रोन तक क्या हो जाएगी इसकी चौड़ाई हो जाएगी। इसके बाद हमारा ये आपका डेवलपमेंट के बाद ये क्या हो गया, इन्फेक्टेड जुवेनाइल स्टेज फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और यही हमारा क्या है थर्ड स्टेज ऑफ जुवेनाइल, या यही थर्ड स्टेज हमारा क्या होता है इन्फेक्टेड स्टेज है। आफ्टर डैट हमारा क्या होगा, ये लाइफ साइकिल फिर कंप्लीट होगा, किसमें, इन्फेक्शन करेगा अब न्यू पर्सन में जिसको ये प्रॉब्लम नहीं है, तो इस तरह फिर इन्फेक्शन हमारा कहाँ जाएगा, न्यू पर्सन में, इन्फेक्शन बाई बाइटिंग ऑफ इन्फेक्टेड कुलेक्स। अब इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा न्यू पर्सन को, और इस कंडीशन में क्या होगा, इन्फेक्टेड व्हेन इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो बाइट करेगा अनइन्फेक्टेड मैन को, तो थर्ड स्टेज को क्या करेगा, ये लार्वा को डिपोजिट करता है, और ये डिपोजिशन जो होता है यूजुअली इन पेयर, जो भी लार्वा को डिलीवर किया गया वो कैसा रहेगा, पेयर्ड में, मतलब मेल और फीमेल दोनों में रहेगा, और आफ्टर उसके बाद वो क्या करेगा, रीच करेगा लिम्फेटिक सिस्टम से, लिम्फेटिक चैनल से, और सेटल डाउन करेगा किसी के लिए स्पॉट पे जाके वो सेटल डाउन हो जाएगा, और वहां पे ये मेटामॉर्फोसिस होके क्या हो जाएगा, एडल्ट में चेंज हो जाएगा, यानी 7 to 18 months के बाद ये क्या हो जाएगा, आपका सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा और न्यू लाइफ साइकिल को स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह हमारा क्या हो रहा है, लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है। देखिए इस तरह हमारा क्या होता है, इन्फेक्टेड जो पर्सन है उसको मॉस्क्यूटो बाइट करता है, और ये मॉस्क्यूटो के अंदर क्या होता है, माइक्रोफाइलेरिया हमारा 2 to 3 times, 3 times क्या करेगा, मॉल्ट करेगा, मॉल्टिंग के बाद ये ट्रांसफर करेगा न्यू पर्सन में, और वहां पे ये लिम्फेटिक वेसल में जाके सेटल डाउन हो जाएगा, वहां पे मैच्योर होगा, और एडल्ट इस तरह क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा फिर से माइक्रोफाइलेरिया लार्वा, और अपने न्यू जनरेशन को, लाइफ साइकिल को स्टार्ट करेगा। तो बहुत ही आसान टॉपिक था चलिए बेनकॉप्टाई का, और नेक्स्ट टॉपिक में हम अगले न्यू टॉपिक से कुछ न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और आप लोग सब वॉच कीजिए अच्छी तरह से, और जहां भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट्स करना हो, कुछ जहां नहीं समझ में आ रहा हो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछा कीजिए। ओके थैंक्स।